बताइए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेवर होता है। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, ऑप्शन है आपके पास, बताइए बताइए। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। ठीक है, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। ऑप्शन है मोटर, सॉरी ऑप्शन वन मोटर, डायनमो, धारामापी, ट्रांसफार्म, बताइए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर है बी, यांत्रिक ऊर्जा को। ठीक है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है? तुम्हारा डायनमो। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो परिवर्तित करता है। ठीक है, अभी देखा हमने किसको करता है, मैकेनिक एनर्जी किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन करता है? डायनमो। ठीक है, अब देखो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, भाई ओ सॉरी। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है भाई। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वैद्युत मोटर। ठीक है, जो वैद्युत ऊर्जा होती है उसका यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? मोटर करती है। ठीक है, वैद्युत मोटर। ठीक, विद्युत बल्ब क्या करता है आपका? इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? लाइट एनर्जी में। ठीक है, और किस में? हीट एनर्जी में। ठीक है, विद्युत बल्ब करता है। ओके, डायनमो बता दिया, मैकेनिक एनर्जी किस में करता है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण है, बताइए। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण है, बताइए। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बर रेखाओं के परिवर्तन की दर के अनुपाती होता है। ठीक है, इसका फर्स्ट है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंज का नियम निम्नलिखित में से किस संरक्षण नियम पर आधारित है, बताइए। ऑप्शन आपका आवेश, द्रव्यमान, संवेग, ऊर्जा। ठीक है, तो लेंज का नियम किस पर आधारित है? संरक्षण पर, एनर्जी पर। एनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप एट्थ क्वेश्चन है, यदि फाई चुंबकीय फ्लक्स को दर्शाता है, ठीक है, बी किसको दर्शाता है? सॉरी, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ए एरिया यानी क्षेत्रफल दर्शाता है, तो इनके बीच सही संबंध है। ठीक है, बताइए। ऑप्शन है बी बराबर फाइव अपॉन ए, सेकेंड फाइव बराबर बी अपॉन ए, या थर्ड ए बराबर बी इंटू फाइव, या ऑप्शन फोर्थ है बी जी बराबर फाइव इंटू ए, बताइए। ठीक है, ठीक है, देखो सूत्र था फाइव इजिकल टू बी इंटू ए। अब देखो इसमें कौन सा चेक कर लें, देखो फर्स्ट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि
और बी की वैल्यू लगा रहे हैं तो फाई अपॉन के ए हो जाएगा, बी इजिकल टू फाई अपॉन ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यावसायिक स्तर पर सौर कोकराओं का निर्माण हुआ था, बताइए कब हुआ था। तो ये हुआ था सन 1962 में, पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सौर कुकर के उपयोग से क्या होता है बताइए, पर्यावरण प्रदूषित होता है, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है, ईंधन की बचत नहीं होती है, खाना स्वादिष्ट नहीं बनता है, ठीक है बताइए। देखो पर्यावरण प्रदूषित होता है ये तो गलत है, ईंधन की बचत नहीं होती है, नहीं ईंधन की बचत भी होती है, खाना स्वादिष्ट नहीं बनता ये भी गलत है, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ठीक है ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है, सौर ऊर्जा का कारण है बताइए, सौर ऊर्जा का कारण क्या है बताइए, उच्च ताप है, नाव की विखंडन है, नाव की संलयन है, या इनमें से कोई नहीं है बताइए। ठीक है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, जो नाव की सौर ऊर्जा है किसका है, नाव की संलयन पर आधारित है, ठीक है जो परमाणु है वो नाव की विखंडन पर, ठीक है जो एटम है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है सौर ऊर्जा के किस विकिरण के कारण सौर कुकर कार्य करते हैं बताइए, ठीक है ऑप्शन है अवरक्त विकिरण, परावैगनी विकिरण, श्वेत प्रकाश, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए आंसर, अवरक्त विकिरण, ठीक है सौर ऊर्जा के किस विकिरण के कारण सौर कोकर कार्य करते हैं, किसके कारण करते हैं, अवरक्त विकिरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सौर सेल एक ऐसी युक्ति है, ठीक है सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है बताइए, ऑप्शन है आपके पास, ठीक ये करती है वैद्युत ऊर्जा में, जो सेल सोलर सेल होता है एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को किसमें करता है, वैद्युत ऊर्जा में, ठीक आपके घर पर सोलर प्लेट लगी है वो किसमें करती है सौर ऊर्जा को, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक विद्युत ऊर्जा में, ठीक है पवन ऊर्जा में खुद थोड़ा ही करती है, न सागरी ऊर्जा में न केमिकल एनर्जी में, ठीक तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए पवन ऊर्जा क्या है, ठीक है बताइए विंड एनर्जी क्या है, ठीक है ऑप्शन है आपके पास, स्थित ऊर्जा, काइनेटिक, पोटेंशियल काइनेटिक, केमिकल और इलेक्ट्रिक, बताइए स्थित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, बताइए। ठीक है जो पवन ऊर्जा है वो तो गति करता है, ठीक है तो गति ऊर्जा होगी, ठीक है ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए आधुनिक सौर सेल की दक्षता है भाई, जो सौर सेल होते हैं उसकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक क्षमता कितनी है उसकी, ठीक तो इसका है 10% से 18% तक, ठीक है इसका राइट आंसर 4 है। ठीक थैंक यू, ठीक है।